Thank you. Celebrate this Friendship Day with friendly insects in your farm. Be smart. Choose beneficial insects over harmful insecticides. Attend webinars. Gather knowledge. Beneficial Insects Awareness Meet, 1st August. To join the event, download Kisan app. विशाल जी आपका वीडियो ऑन करेंगे प्लीज दीपक आई स्टार्ट एंड देन विशाल विल हैंड इट ओवर टू ओके यू टेल मी यू कैन स्टार्ट ओके नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फर्स्ट एट द आउटसेट लेट मी विश यू ऑल अ हैप्पी फ्रेंडशिप डे आज दोस्ती का दिन है तो आप सभी को शुभकामनाएं और इसी दिन uh, हम एक खास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि किसानों के दोस्त तो बहुत रहते हैं तो स्टील में से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है कीटक या कीड़ा जो है तो उस बारे में आज हम जानकारी देने वाले तो दिस इज पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ वेबिनार्स एंड डिफरेंट इवेंट दैट वी ऑर्गेनाइज ऑन किसान मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म सो आई होप यू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस प्रोग्राम तो आज के दिन हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश नाविक जी है तो उनका मैं स्वागत करता हूं और मैं कलीग सरकारी विशाल है तो उसको, करता हूं, उसको करता हूं कि की पहचान यू निरंजन जी आ, जैसे कि निरंजन जी ने बताया कि आज फ्रेंडशिप डे है और उसके आ, चलते हमने ये स्पेशल वेबिनार और दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे जो आ, मित्र कीड़े जो रहते हैं उनके बारे में जानकारी के लिए तो आज इसी के बारे में जो इसका महत्व तो क्या है और उसमें भारतीय कृषि में इसका कैसा यूज होता है उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश नाविक जी जो कि साइंटिस्ट है एंटोमोलॉजी के और ये फिलहाल आई के नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसर्च इन शॉर्ट एम से जुड़े हुए हैं और वो स्पेशली ये कीटों के बारे में या जो अपने Uh, किसानों के लिए फार्म में जो अच्छे कीड़ों कीड़े होते हैं कीट होते हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं चार से पांच साल का उनका अनुभव है काफी सारे पब्लिकेशंस में उन्होंने अपना कार्य पब्लिश किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ओम प्रकाश नावी जी को कि वो आए हुए सारे अपने दर्शक हैं उनको मार्गदर्शन करें कि उसका महत्व कैसा है अपने कृषि में और उनको क्यों करना चाहिए या रेगुलर हम जो बाकी केमिकल यूज करते हैं उसके ऊपर उनके क्या फायदे हैं अभी के हालत में Uh, उसपे कुछ प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व um, uh, कर सकते हैं उसके बारे में मार्गदर्शन करें uh, नाविक जी आप uh, आगे आप मार्गदर्शन करने के लिए प्लीज प्रोसीड विजिबल है हाँ जी हाँ जी यस yes. हाँ नमस्कार सभी को मैं ओम प्रकाश नाविक राष्ट्रीय कर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो में मैं एज ए वैज्ञानिक कार्य करता हूँ और आज मुझे यहां अवसर दिया गया है कि कृषि में मित्र कीटों का अन महत्व क्या है और हम कैसे मित्र कीटों को पहचान सकते हैं और उसका अगर हम मित्र कीटों को पहचान सकते हैं तो उसे हम अपनी फसलों में कैसे उसको बचा सकते हैं जो कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमारे जो शत्रु कीट है उनको नाश नष्ट करते हैं तो हमें उसको पहचानना बहुत जरूरी है पहले और उसको पहचानने के बाद में उसको उसकी जो मतलब जनरेशंस है उसकी अगर वो पलती फूलती है हमारे खेतों में तो उसको कैसे बचाना है और जो उसको बचाकर उसकी उसकी वृद्धि कैसे करनी है उसको कंजर्वेशन करना है और उस चीज को हम आज जानेंगे आज के इस वेबिनार में जो में जो कृषि मित्र का महत्व जो किसान किसान द्वारा द्वारा टीम आयोजित किया गया है जिन्होंने मुझे बोलने के लिए अभी अवसर दिया है तो आज इस फ्रेंडशिप डे पे मैं आज मित्र कीट से कीटों से कैसे फ्रेंडशिप की जाए और उनको उनके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं कि अपने खेतों में उसको हम बढ़ा सकें और उसको बढ़ाने के बाद में उससे कैसे हम लाभ ले सके तो आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहूंगा आप सभी लोगों से सो so, नमस्कार एक बार सभी कृषि किसान भाइयों को जो आज यहां ज्वाइन हुए हैं किसान प्लेटफॉर्म ऐप के द्वारा तो अब मैं अपने मतलब प्रेजेंटेशन अपना जो प्रेजेंटेशन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जो भी एकदम किट किट जो है ये लगभग 70% जीवों जीवों को रखते हैं मतलब कि अगर सौ प्रतिशत जीव इस धरती पे अगर है उसमें से सत्तर से अस्सी प्रतिशत कीट ही है तो यहाँ क्या है कि इस प्रेजेंटेशन में सभी बेनिफिशियल कीटों का जो भी मित्र कीटों को कवर करना इस प्रेजेंटेशन में असंभव है तो उसमें से जो जो कीट जो है जो आप जनरली देख सकते हैं आपके खेतों में बहुत कॉमन है जिसको आप समझ सकते हो कि ये मित्र कीट है और ये शत्रु कीटों को नष्ट करता है और ऐसे कुछ कीटे कीटों के बारे में मैं से विस्तार से चर्चा करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि ये कीट कहाँ अवेलेबल है और कहाँ मिलते हैं उसको किस तरह से खेतों में छोड़ा जाना चाहिए और जिसको हम अपनी लेबोरेटरी में उसका बहुगुणन करते हैं उसको ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं और उसको फिर किसान भाइयों को हम पूरे इंडिया में पूरे देश में भारत में हम भेजते हैं तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा तो अब मैं अपना प्रेजेंटेशन में, में रखना चाहूंगा आप सभी को पता है कि मित्र कीट जो है मित्र कीट ऐसे कीट ऐसे होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु कीटों के अंडे और उसके बच्चों को अपना भोजन बनाते हैं मित्र कीट ऐसे ऐसे कीट हैं जो शत्रु कीट होते हैं जिसकी आप समझ लो कि उसके अंडे है, उसकी हैं उसकी डेवलपमेंटल स्टेज है जिसे हम कहते हैं इलिया होती है उसके निम्स होते हैं उसको वो उसको खाते हैं या फिर उसमें उसमें से अपने उस उसको भक्षण बनाकर उसके उससे रस चूस लेते हैं तो इस तरह से उसको वो उसका भक्षण करके उसको अपना भोजन बनाकर उसको मार देते हैं जिससे क्या होता है कि शत्रु कीटों की संख्या जो है वो खेतों में कम हो जाती है और साथ ही साथ मित्र कीटों की वृद्धि होने लगती है तो इसी तरह से उसी को मित्र कीट कहते हैं अब हम देखेंगे यहाँ बात करेंगे सविस्तर की मित्र कीट में दो प्रकार के मित्र कीट पाए जाते हैं एक परजीवी होते हैं जो जो किसी के किसी भी शत्रु कीट की अवस्था है जैसे उसके अंडे हो गए इसकी इल्लिया हो गई या उसके जो कोश अवस्था है जिसको पिपा कहते हैं उसमें ये क्या करते हैं कि अपनी अः उसमें अपनी अवस्था या अपने अंडे डाल देते हैं और उस डाल अंडे डालने के बाद में क्या होता है कि उसके अंडे के अंदर अंडे डाल देना या उसकी इल्लियों के अंदर अपने अंडे डाल देना या उसकी कोश अवस्था पर बैठकर उसमें अंडे डाल देना तो इससे क्या होता है ये परजीवी जो है उस शत्रु कीट के अंदर ही अपना विक, मतलब उसमें विक, विकास करते हैं और आखिरी में क्या होता है कि स, जो शत्रु कीट है वो मर जाता है उसमें से जो मित्र कीट है जिसको परजीवी कहते हैं वो बाहर निकलता है तो इससे क्या होता है कि शत्रु कीट जो है वो नष्ट हो जाते हैं और दूसरा जो प्रकार आता है जो परभक्षी कीट है परभक्षी कीट में क्या होता है कि ये ऐसे कीट होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं और ये अपने शत्रु कीट से थोड़े बड़े होते हैं या उसकी समान आकार वाले होते हैं और ये दोनों जो ये जो परभक्षी कीट है ये क्या करते हैं कि ये उसको पूरा खा जाते हैं मतलब यहाँ वो उसके अंदर अपने अंडे नहीं डालते हैं उसके अंदर वो, वो मतलब उसके अंदर उनका डेवलपमेंट विकास नहीं होता ये क्या करते हैं जैसे हम भोजन खाते हैं उसी तरह से उस अः उसका भक्षण करते हैं और भक्षण करने के बाद में क्या होता है कि शत्रु कीट मर जाता है तो इसकी भी एक्टिविटी आप अपने खेतों में देख सकते हैं तो ये दो हुए हैं परजीवी और परभक्षी कीट और एक और जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में आता है जिसको बोलते हैं हम परागकण कीट जो बोलते हैं जिसको पॉलिनेटर बोलते हैं वो भी हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में आता है अब हम बात करेंगे परभक्षी कीट क्या होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं परभक्षी कीट अपने भोजन के रूप में दूसरे कीड़ों को खा जाते हैं तो यहाँ यहाँ है कि खा जाना है उसको पूरा अपने खाकर मतलब खाने की दो अवस्था अवस्था है एक तो वो पूरा खा जाना या फिर उसमें अपने जो डंक है या अपने स्टाइलेट जिसे कहते हैं उसको चुभो कर उसमें से पूरा जो है इलियों का रस चूस लेना या अंडों का रस चूस लेना तो इस तरह से ये भक्षण करते हैं अब इसमें हम देखें इसमें बात करेंगे हम कि लेडी बीटल जो है लेडी बीटल लेडी बर्ड बीटल जो है लेडी बर्ड बीटल जो एक आप कॉमन देखते हो आपके प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये लेडी बीटल है जो काफी कॉमन common, मतलब कॉमनली ये आपके किसी भी खेतों में मिल जाएगा ये किस पे भक्षण करता है ये एफिड से भक्षण करता है एफिड जिसको मावा या माहू कहते हैं मावा मेरे ख्याल से मराठी में और हिंदी में माहू कहते हैं तो इस पे ये भक्षण करता है ये आपको आसानी से किसी भी खेतों में देख सकते हैं तो ये मित्र कीट में आता है इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है इसको हमें संरक्षण करना चाहिए इसको देखना चाहिए अगर ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपके खेतों में उपलब्ध है तो इसका मतलब है कि ये अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और आपके जो शत्रु कीट है जिसको पेस्ट बोलते हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो ये जिसको कॉक्सीला सेप्टम पंक्टाटा बोलते हैं ये लेडी बीटल जो है आप कॉमनली आपको किसी भी फील्ड में मिल जाएगा धान में या फिर मस्टर्ड में या फिर सरसों के खेतों में कैबेज काउली फ्लावर जो भी आप फसल लोगे वहाँ आपको मिल जाएगा और ये जनरल प्रेडेशन करता है मतलब इसको मतलब ये आ, हर अवस्था को जो कि माहू की अवस्था को खा जाता है इसके बाद में ये देख सकते हैं ये जो मैंने पहले बताया स्क्रीन पे आपको उसी की ये इमेच्योर अवस्था है जिसको लारवल अवस्था कहते हैं ये अवस्था जो है ये 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 भक्षण करता है जो मैंने पहले बताया आपको बीटल जो है वो भी भक्षण करता है और उसकी इमेच्योर अवस्था जो है वो भी भक्षण करती है तो इसको आप देख सकते हैं ये मस्टर्ड में वीट में मेज में काउपी जिसको कपास में ज्वार में और गन्ने की फसल में इसको आप देख सकते हैं ये ही प्रिडेटर करता है एक दिन में ये लगभग दो से तीन जो मावा है वो खा जाता है उसके बाद में लेडी बीटल ये दूसरा लेडी बीटल है जिसको ये और एफिड पे ही भक्षण करता है इसको आप देख सकते हो ये बहुत कॉमन है आपके खेतों में आसानी से इसको देखा जा सकता है लेकिन क्या है कि आप ये जो वयस्क अवस्था को आप देख सकते हैं लेकिन जो इसकी लारवल अवस्था है जिसको इमेच्योर स्टेज बोलते हैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा खेतों में जहां भी आपको कॉलोनीस मिलेगी जो एफिड की कॉलोनी मावा की कॉलोनी मिलेगी आपको उसके अंदर ये भक्षण करते हैं आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको ये जो मावा पे भक्षण करते हुए इमैच्योर स्टेज जो दिख रहा है तो उसके बाद में ये तीसरा प्रकार का लेडी बीटल है ये भी बहुत कॉमन है आप देख सकते हैं उसको आपके फील्ड में ये ज्यादातर क्या भक्षण करते हैं मावा का सफेद मक्खी का और मिलीबक्का भक्षण करते हैं इसकी भी अवस्था आप देख सकते हो यहाँ कि एडल्ट स्टेज है और यहाँ लार्वल स्टेज है दोनों भी भक्षण करते हैं दोनों भी स्टेज जो है इसकी भक्षण करते हैं आपको ज्यादातर ये अडल्ट अवस्था में बहुत एक, बहुत सारे किसान भाइयों ने इसको देखा होगा और अब ये जो है ब्लैक कलर का जिसको कैलोकर बोलते हैं ये लेडी बीटल जो है ये भी आपको फील्ड में देख सकते हैं इसको लेकिन ये यहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये मावा और मावा पे भक्षण नहीं करता ये ज्यादातर स्केल इंसेक्ट होते हैं और व्हाइट फ्लाई जिसको सफेद मक्खी कहते हैं उस पर यह भक्षण करता है ये ये चौथे तरह का लेडी बीटल है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोलिमस मॉन्ट्री जयरी ये जो लेडी बीटल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेडी बीटल है ये लेडी बीटल जो है इसकी आप वयस्क अवस्था देख सकते हैं कि ये काले रंग का इसका बॉडी है और भूरे रंग का और इसके बाद में जो दूसरा इसका लिम मैच और स्टेज है ये एकदम मिली बग जैसे ही दिखता है तो बहुत से किसान भाई इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये लार्वल स्टेज है ये लार्वल स्टेज रिडेटर का है या फिर ये जो

अगर आपके पास में स्पेस है तो उसमें ये आराम से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इस लेडी बीटल को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको पंपकिन जो मिलता है कद्दू उस कद्दू को आपको खरीद कर उसके ऊपर मिली बक की जो कॉलोनीस हैं उसको आपको स्टाब्लिश करना है एक बार मिली बक की कॉलोनी उस परब्लिश हो जाएगी तो इसकी जो है इसके जो बीटल्स हैं उसको मेल फीमेल दोनों भी है नर मादा दोनों को छोड़ देना है ये उस मिलीबग के ऊपर भक्षण करेंगे और भक्षण के साथ में अपनी अपना प्रजनन करेंगे और उसके साथ में अपनी संख्या बढ़ाएंगे फिर उसको आप कलेक्ट कर, कर उसको आप अपने खेतों में रिलीज कर सकते हैं तो एक पंपकिन से आप 200 से 250 मिली बग मिलीबग की कॉलोनी दो मतलब, सौ पचास बीटल से आप एक महीने में उसको ले सकते हो और इसकी जो खेतों में छोड़ने की जो इसकी रेट है जिसको रिलीज रेट कहते हैं इसकी जो आ, कितने हमें छोड़ना चाहिए तो इसको 10 से 20 बीटल जो है पर ट्री पर पेड़ पे छोड़ना चाहिए ज्यादातर इसको हम यूज करते हैं आ, मतलब कि फ्रूट क्रॉप में फल फल फूलों के आ, पेड़ों पे हम इसको करते हैं जिसमें मिलीबक का प्रॉब्लम ज्यादा होता है तो उसे आ, उसमें ये आप छोड़ सकते हो और इसका इसको छोड़ने के लिए भी आपको कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आप आराम से इसको आ, ब्रश अपना कैमलिन ब्रश लेकर उसको एक एक निकाल कर आप जहा जहां, -जहां कॉलोनी आपके खेतों में मिलेगी उसमें आप रिलीज कर सकते हो और जहां जहां इसको हर पेड़ पे नहीं रिलीज करना है जहां जहां आप एक बार सर्वे कीजिए आपके फील्ड का उसमें जहां जहां आपको मिली बग दिखता है उसी कॉलोनी में आप इसको छोड़ दीजिए तो ये वहां क्या करेंगे कि परपिचिएट हो जाएंगे वहां वो अपनी फिर से खाकर अपनी संख्या बढ़ाने में लग जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आप अगर एक या दो बार अगर इसको अपने खेतों में रिलीज करते हैं तो अभी धीरे धीरे इसका जो है नंबर प्रतिशत बढ़ता जाएगा और उससे क्या होगा कि आपके जो शत्रु कीट हैं फलों और फलों के फूलों के या ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में उसमें ये कम होते चले जाएंगे तो लेकिन इसका और एक ध्यान रखना है कि अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो आपको सिलेक्टिव इंसेक्टिसाइड या कम मात्रा में आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड को रासायनिक इंसेक्टिसाइड को कम स्प्रे करना है इसके बाद में और मैंने यहाँ कुछ लेडी बिटल लगाए हैं जो कॉमनली आपके हमारे भारत के एग्रो इकोसिस्टम में आ, मिल जाते हैं किसी भी इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग रंग के लेडी बिटल है बहुत ही खूबसूरत से दिखते हैं लेकिन क्या होता है कि हमें उसका ज्ञान नहीं होने की वजह से हम हम स्प्रे कर देते हैं और उस स्प्रे में ये बेनिफिशियल इंसेक्ट जो है मित्र कीट भी मर जाते हैं जिससे क्या होता है कि खेतों में क्या होता है कि नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है जिसमें शत्रु कीट ज्यादा हो जाते हैं और मित्र कीट कम हो जाते हैं और इसीलिए कभी भी अगर आपको इंसेक्टिसाइड यूज भी करना है स्प्रे भी करना है तो पहले आपके खेतों को आपको इंस्पेक्ट करिए उसमें शत्रु कीट की क्या अवस्था है उसके बाद में उसमें मित्र कीट है या नहीं है अगर इसका अनुपात एक एक से दो है अगर शत्रु कीट आपके एक से दो है तो शत्रु कीट से मित्र कीट अगर आप दो से एक है समझ लो दो शत्रु कीट है और एक मित्र कीट है ये अनुपात भी अगर है तो आपको मतलब उतना इंसेक्टिसाइड स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे को कम कर देना चाहिए जिसको नीड बेस अप्लिकेशन में करना चाहिए जरूरत के अनुसार उसको स्प्रे कीजिए उसके बाद में ये दूसरा प्रकार जो है अभी ये तक के हमने बात की जो लेडी बिटल्स आते हैं जो हमारे एग्रोको सिस्टम में मिलता है फसलों में या फूलों में या फ्रूट्स में, में सब्जियों में जो आते हैं उसके अलावा ये जो दूसरा है दूसरा जो प्रीडेटर है परभक्षी है जो जिसे क्राइसोपरला बोलते हैं ये आप देख सकते हो इस पतंग को बहुत से कृषि भाई कृषकों ने देखा होगा अपने खेतों में लेकिन उससे अवगत नहीं कि ये इंसेक्ट है या फिर शत्रु कीट है तो इसको आप देख सकते हैं कि ये जो इसका वयस्क अवस्था है ये बहुत ही सुंदर दिखता है ये मेटेलिक ग्रीन कलर का होता है और ये ये जो होता है ये अडल्ट अवस्था इस परभ की वो भक्षण नहीं करते हैं ये परागकण पे अपना जीवन यापन करते हैं ये फूलों के सार जो निकलता है उस पे अपना जीवन व्यापन करते हैं पराकन खाकर लेकिन इसके जो अंडे हैं आप देख सकते हैं इसके अंडे जो है वो स्टॉक जैसे होते हैं थोड़ा सा स्टॉक एक्स कहते हैं जिसे ये अंडे आपने बहुत से अपने खेतों में देखा होगा जो किसान भाई अपने खेतों में रोज जाकर अपने फील्ड का निरीक्षण करते हैं तो उन्होंने इस, इस अंडे को जरूर देखा होगा और इस कीट को भी देखा होगा लेकिन वो कितने इस चीज के बारे में अवेयर हैं अगर कोई कुछ, कुछ किसान भाई इसको जानते भी होंगे तो उन्हें ये पता नहीं होगा या उन्हें पता भी होगा कि इसका जो इमेच्योर स्टेज है वो कुछ इस तरह से दिखता है जो इसकी जो इसके जो इमेच्योर स्टेज है जो लार्वा अवस्था कहते हैं वो इस तरह से दिखती है और ये जो लार्वा अवस्था है ये अवस्था ही भक्षण करती है जो मैंने पहले बताया जो अडल्ट अवस्था है वो भक्षण नहीं करती है वो लोग परागकण पे ही अपना जीवन व्यापन करते हैं और फिर से नेक्स्ट जनरेशन शुरू करते हैं मेटिंग होने के बाद लेकिन ये जो है ये जो प्रिडे है या प्रिडेटर है ये सिर्फ लार्वल अवस्था में ही परभक्षण मतलब ये शत्रु कीट को खाता है आप ये दूसरे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये इलियो में अपने जो इसके जो मुंह से ये उसमें धसा कर इलियो को और उसमें से ये क्या करता है कि रस चूस लेता है तो धीरे धीरे जब ये इसका शिकार करता है उसमें अपने अपने जो माउथ ऑर्गन है उसको वो पेनिट्रेट कर देता है उसमें धसा देता है और धसाने के बाद में उसमें से ये धीरे धीरे रस चूसने लगता है और जब ये रस चूस लेता है तो वो मक्खी वो वो जो भी अवस्था है शत्रु कीट की जैसे इल्लिया है या एक्स है अंडे हैं उसको ये नष्ट कर देता है जिससे कि आगे की जनरेशन जो है आगे की अवस्था जो है शत्रु कीट की नहीं आती है अब इसको कहाँ यूज करते हैं इसको ज्यादातर यूज करते हैं हम सफेद मक्खी मारने के लिए जहां भी आपको सफेद मक्खी का प्रादुर्भाव दिख रहा है या फिर उसमें आपको दिख रहा है तो उसमें आप इसको छोड़ सकते हैं जैसे व्हाइट फ्लाई कहते हैं आप मावा या एफिड जो है उसे उसमें आप छोड़ सकते हैं उसको के ये कंट्रोल करता है उसको मैनेज करता है उसके बाद में थ्रिप्स है थ्रिप्स को भी थ्रिप्स अगर आपके फील्ड में है जिस ज्यादातर थ्रिप्स का प्रॉब्लम जो होता है ये पॉलीहाउस या ग्लास हाउस में आजकल देखा जा रहा है तो उसमें भी आप इसको कंट्रोल कंडीशन जो भी मतलब ऑर्नामेंट है विजिटेबल है ये सब उगाते हैं तो उसमें ये आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं जो कन्फाइंड एरिया होता है उसमें ये बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं क्योंकि क्या होता है कि पॉलीहाउस ग्रीन हाउस में बहुत ज्यादा आजकल प्रभाव देखा गया है थ्रिप्स का तो उसमें ये काफी कारगर होता है और इसको रिलीज करने की अवस्था है दो अवस्था में इसको आप रिलीज कर सकते हैं एक तो इसको जो मैंने पहले स्लाइड्स में दिखाया आपको स्क्रीन पे उसमें अंड अवस्था जो है इसके अंडे को आप ले जाकर आप परचेस कर कर या उसको अपने खेतों में रख सकते हैं कुछ दिन दो या तीन चार दिन बाद ये उसमें से ये ग्रब निकल जाएगा ये जो मावा लार्वा है ये निकल जाएंगे और ये फिर अपने शिकार को ढूंढना शुरू कर देंगे और ये ढूंढ ढूंढ कर एक पौधे से दूसरे पौधे से जाकर जहाँ इनको अंडे मिलेंगे अंडों के रस चूस कर या फिर इसमें जो इलिया मिलेगी उसको भी ये चूज कर नष्ट कर देंगे तो इसकी रिलीज करने की मात्रा जो है इसको पांच हजार पर हेक्टर हम रिलीज कर सकते हैं जो रिलीज करने की मात्रा है ग्रब की जिसे कहते हैं अवस्था पांच हजार पर हेक्टर आप रिलीज कर सकते हो इसके बाद में और एक है जो माइक्रोमस इगोरेटस करके बोल आ, कहते हैं इसकी भी वैश्वस अवस्था और लारवल अवस्था देख सकते हैं और ये बहुत अच्छा प्रीडेटर है परबक्शी है ये शुगर केन वोली एफ्रीट का शुगरकेन ओली एफिड में इसको आप अगर जो शुगरकेन ओली एफिड गन्ने में आ, आ, कुछ साल पहले आया था लगभग 2002 से 2004 पांच और अभी भी थोड़ा-थोड़ा अभी डबल से इसका देखा जा रहा है महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में जहाँ गन्ना की पैदावार की जाती है तो ये इस तरह से ये परभक्षी कीट है इसे बार-बार हमें रिलीज करने की जरूरत नहीं है ये परभक्षी कीट एक बार अगर, अगर आप किसी कॉलोनी में जो जो उली एफिड, शुगर केन का का उली उली एफिड एफिड, है, गन्ने तो बार -बार जरूरत नहीं रिलीज कर देते हो तो इसको ये क्या करेगा की सब कॉलोनियों में से कॉलोनी को ये डिस्ट्रॉय करता जाएगा और अपनी खाता जाएगा और अपनी संख्या बढ़ाता जाएगा तो इसे हम कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल करते कहते हैं जिससे संरक्षण जैविक किड नियंत्रण कहते हैं उसे, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं कर सकते हैं उसके बाद जो सिरफिट सिरफिट फ्लाई आती है ये सिरफिट फ्लाई जो है ये भी मावा को खाती है आप इस पिक्चर में देख सक रहे हो कि इसमें जो है मावा लगे हैं और उस पर ये अपना भक्षण कर रही है तो ये भी बहुत कॉमन प्रिडेटर है लेकिन ये है ये बहुत स्विफ्ट फ्लायर है बहुत तेजी से उड़ता है तो बहुत से किसान भाइयों ने इसको देखा भी होगा लेकिन उन्हें मतलब इसके बारे में कल्पना नहीं होगी कि ये मावा को खाता है तो ये जो है स्विफ्ट फ्लायर है और ये मावा पे भक्षण करता है और इसकी जो मतलब इस, इस इसको अब बहुत ही कॉमन है ये फील्ड में उसके बाद में हम तीसरे टाइप का जो प्रिडेक्टर है चौथे टाइप का जिसको परभक्षी बोलते हैं अंथोकोरिड बग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल है जैविक कीट नियंत्रण में काफी इसका यूज होता है ज्यादातर इसका उपयोग जो होता है ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में यूज करते हैं जहां थ्रिप्स और माइट्स का प्रॉब्लम है आ, ये जो रोज में करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जो पॉली ग्रीन हाउस में यूज ऑर्नामेंट्स में जो प्रॉब्लम आते हैं कीटकों के तो उस उसमें जो उसमें यूज करते हैं जनरली इसको इस पर यूज किया जाता है थ्रिप्स और माइट के लिए ये थ्रिप्स और माइट का अगर आप इसमें वयस्क अवस्था देख सकते हैं और इसकी निम्फ अवस्था देख सकते हो ये दोनों भी भक्षण करती हैं और इनको फील्ड में रिलीज करने के लिए आपके गॉल ग्लास हाउस या पॉली हाउस में रिलीज करने के लिए इसको 20 से 30 प्रति पौधे से आप इसको रिलीज कर सकते हैं और ये इसलिए कर कर इसको इसको कर कुछ -कुछ मल्टीप्लाई करना है या उसको उसकी ज्यादा संख्या बढ़ाना हर कीटों के लिए संभव नहीं हो सकता क्योंकि हर पैरामीटर को हम लेबोरेटरी में कंट्रोल नहीं कर सकते या उस तरह के उसके होस्ट को या जिसपे हम उसका बहुनगुणन कर सकते हैं उसको हम उस तरह से उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं कर सकते हैं लेकिन इस एंथोकोरिट बग को हम लेबोरेटरी में इसका बहुगुणन कर सकते हैं इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है थ्रिप्स और माइट के अगेंस्ट ये, ये दूसरे तरह का और एक एंथोकोरिड बग है जिसको हम कार्डियोस्टेथस एक्जुगस कहते हैं और दूसरा जो है ओरियस है तो इसमें आपने जो कार्डियोस्टे एक्जुगस है इसको भी हम लेबोरेटरी में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी आप इसको अपने पॉलीहाउस ग्रीन हाउस के या ओपन फील्ड में भी इसको रिलीज कर सकते हैं सेम मात्रा में बीस से तीस प्रति पौधे की दर से उसके बाद में जो ओरियस है इसकी एक्टिविटी आपने ज्यादातर देखा होगा कि मेज में जिसको बोलते हैं मक्का में या फिर ज्वार में बाजरा में ये आता है और ये भी बहुत थ्रिप्स और माइट्स और, और भी जो सकिंग रस चूसक इंसेक्ट हैं जो शत्रु कीट है उसको ये उसका भक्षण करता है उसके बाद में पेंटाटोमिड बग है जिसे जो काफी दूसरे अभी तक बात की गई उससे ये काफी बड़ा आकार का होता है और ये जो है इसमें जो पेंटाटोमिड बग की जो मैंने फोटो दिया है ये एंड्रलेस स्पेंडस है और इसको आप आ, फाल आर्मी कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हो इसको एक्चुअली क्या है कि लेबोरेटरी में इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग अभी स्टार्ट कर भी कर रहे हैं लेकिन क्या है कि इसका नेचर में भी इसकी काफी मात्रा में इसको आप देख सकते हैं अगर आपको तो आप है है, मतलब उसका वो नुकसान पहुंचा रही है तो उसपे ये उसकी इलियो को आ, ये उसके ऊपर भक्षण करता है और उसको नष्ट कर देता है उसके बाद में जो ये और एक अलग तरह का प्रिडेटर है जिसे हम मिरीडक कहते हैं ये थोड़ा छोटा होता है दिखने में इसको आप आसानी से देख सकते हो लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा आपके प्लांट को पौधों को थोड़ा सा नजदीक से जाकर उसको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा तो ये आप उसको देख सकते हो तो ये दोनों भी अडल्ट अवस्था है जो मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिखाई है ये दोनों भी जिसमें पहला जो है ये डॉटस प्राइमेरियस है ये आपको जो ये अच्छा ये टोमेटो में जो नया कीटाया टूटा सुलूटा है उस पर भक्षण करता है और उसके साथ में और भी रस चू सके इन सबको ये इसमें से रस चूज कर उनको नष्ट कर देता है दूसरा जो है लिवडी हम बोलते हैं इसकी जो इसकी जो संख्या है ये ज्यादातर हमें राइस फील्ड में देखने को मिलता है जहाँ धान की खेती होती है ये धान के ऊपर जो लगने वाले ब्राउन प्लांट ऊपर जिसे हम बोलते हैं तुड़तुड़े बोलते हैं उसको ये उसका ये भक्षण करता है तो इसको राइस में इसको कंजर्वेशन करके हम रख सकते हैं जिसको संरक्षण जीव जैविक कीट नियंत्रण में हम इसको उस तरह से इसको कर सकते हैं उसके बाद में ये और एक जियो बग है जिसे हम कहते हैं जियो बग ये आप देख सकते हैं दो अलग अलग जियो बग आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आ, ये जो जियो बग है ये भी कॉमन मतलब प्रिडेटर है ये भी बहुत से सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट जो होते हैं रस चूसक इंसेक्ट को अपना भक्षण बनाते हैं और उसमें से रस चूस लेते हैं जिससे कि की शत्रु कीट मर जाते हैं ये आप देख सकते हैं आप पिक्टोरियली ये देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो इलिया हैं उसमें अपने सूंड को डंक को उसको धसाकर उसमें से जो भी रस है उसको चूस लेता है जिससे शत्रु किट मर जाते हैं उसके बाद में रेडूड बग है ये काफी कॉमन है ये आपके घर के आसपास आपके खेतों में मिल सकता है ये कभी कभी अगर आप इसको हैंडल करोगे तो आप ये आपको भी डंक मार सकता है और ये इसका जो बाइट्स होता है जिसका डंक होता है वो थोड़ा सा पेनफुल भी होता है लेकिन ये बहुत अच्छे प्रिडेटर हैं यहाँ इस ये जो रेडोविड बग है ये जनरलिस्ट प्रिडेटर होते हैं इनके ये किसी को भी अपना किसी भी शत्रु कीट को ये अपना भक्षण बना सकते हैं तो इसमें दो स्पीसीज है एक पैंथोस एक्सेलेंस है और एक पैंथोस बायमेक्युलेटस है ये दोनों स्पीसीज प्रिडेटरी स्पीसीज है भक्षण करती हैं उसके बाद ये दो और रेडोविडब है ये इसको आप देख सकते हैं ये दोनों भी और भक्षण करती हैं अपने डंक से इल्लियों को ये और उसमें से रस चूस लेती हैं जिससे कि की शत्रु कीट मर जाते हैं ये भी काफी कॉमन है आपके घर के आसपास आपके किचन गार्डन में आपके खेतों में इसको काफी आसानी से देखा जा सकता है इसके बाद में इसको आप सभी ने देखा होगा कि इसको प्रेइंग मेंटिड बोलते हैं ये जो है ये एडल्ट अवस्था है और ये क्या करता है कि जो भी शत्रु कीट है या फिर जो भी कीड फलों में या इस, इसके ऑन द वे आएंगे इसको तो ये उसको उसको भक्षण करे कर, करते हुए करता है तो ये भी एक जनरलिस्ट प्रेडेटर है इसमें ये इसका कोई स्पेसिफिक नहीं कि ये इसी इंसेक्ट को खाएगा इसी शत्रु कीट को खाएगा ये जो भी शत्रु कीट है सभी को ये खा जाता है ये उसकी दूसरा प्रकार है आप देख सकते हो आपको भी ये खेतों में आपके फसलों में देखने को मिलेगा उसके बाद में ये और एक और एक प्रकार का है जिसको आपने कॉमनली कहीं भी देख सकते हैं उसको इसके बाद में ये दो है जो इस इसको भी ये भी प्रेंग हैं इसके अलग अलग स्पीसीज हैं जिसको प्रजातियां हैं आप इसको देख सकते हैं उसके बाद में ये है और प्रेंग्स की प्रजातियां हैं अलग अलग इसको देख सकते हैं आपने काफी इसको क्लोजली देखा हो कभी कभी ये घर में भी आ जाते हैं या आपके किचन गार्डन्स में आ जाते हैं और ये फील्ड में काफी मात्रा में पाए देखे जाते हैं लेकिन इसको ये इसमें एक बिहेवियर जो होता है कॉमो फ्लेज होते हैं ये मतलब कभी कभी आप इसको देख नहीं सकते हैं ये आपको आपकी जो नजर को ये चकमा दे सकते हैं क्योंकि ये उस तरह से अपने क्रॉप में अपने फील्ड में फसलों में वो मैच हो जाते हैं उनके कलर की वजह से उनके रंगों की वजह से अभी तक के हमने बात की जो परभक्षी पर, कीट के बारे में अब ये जो दूसरा प्रकार है ये परजीवी कीट है इस परजीवी कीट के बारे में हम अभी बात करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है इस, इसलिए महत्वपूर्ण है पूर्ण है परजीवी किट क्योंकि इसको लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा मात्रा में हम इसको प्रोडक्शन करते हैं और ये प्रोडक्शन करने के बाद में इसको ये इजी है कि आप इसको फील्ड में रिलीज भी कर सकते हैं और जिससे आप अपने फसलों को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है और इसके इसको यूज करने के बाद में आप अपने जो केमिकल स्प्रे करते हैं आपके खेतों में उसका जो है उसकी उसको, उसको स्प्रे को कम भी कर सकते हैं इसको अगर आप इसका जुडिशियस यूज करोगे तो सो so, परबक्षी कीट ये ऐसे कीट होते हैं जो अपना जीवन चक्र जो है वो दूसरे कीड़ों के शरीर में पूरा करते हैं मतलब ये शरीर के अंदर जाकर अपने अंडे डालकर और उसको उसमें अपना जीवन यापन करके उस इस पूरी प्रोसेस में इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि शत्रु कीट मर जाता है और उसमें से जो अडल्ट है वयस्क अवस्था जो है पैरासिटोइड जिसे कहते हैं परजीवी कीट के निकलते हैं इसमें जो पहला है सब आप सभी ने जानते होंगे इसको ट्राइकोग्रामा कहते हैं ये बहुत काफी महत्वपूर्ण पैरासिटॉइड है इसका जो रोल है ये अंड परजीवी के रूप में काम करता है ये काफी छोटा होता है इसको आप आंखों से जनरल नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये अंडे के अंदर अपने अंडे डालता है और उसमें पूरी अपना पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करता है पूर्ण करता है और उसमें से फिर इसकी वयस्क अवस्था ही बाहर आती है तो इसका जो पूरा डेवलपमेंट है ये अंडे के अंदर होता है शत्रु कीट के अंडे के अंदर होता है इसमें दो तीन दो तीन अवस्था होती है और तीनों भी अवस्था अपनी अंडे के अंदर ही पूर्ण करके जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये उस पर बैठ इस तरह से उसमें अपने अंडे डालता है और अंडे उसके उस शत्रु कीट के अंडे के अंदर पूरा इसका जीवन यापन होकर फिर बाहर निकलता है तो ट्राइकोग्रामा जो है काफी यूज होता है इंडिया में ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला परजीवी कीटक है मित्र कीट है अब इसकी प्रजातियां हैं हमारे इसकी बहुत सारी प्रजातियां इंडिया में पाई जाती हैं ये लगभग इंडिया में अभी अभी तक तक भारत में लगभग प्रजातियों की खोज की जा चुकी है जिसमें से काफी कॉमन जो मैंने यहां स्क्रीन पे डिस्प्ले किया ये कॉफी काफी कॉमन स्पीसीज जो है हमारे जैविक कीट नियंत्रण में इसको आ, किसान भाई या फिर रिसर्च में या हर चीज में इसको यूज करते हैं जिसमें जो पहला है ट्राइकोग्रामा किलोनिस जो कहते हैं ये काफी कॉमन है ये हर आपको किसी भी फसल में आप अगर इसको यूज कर सकते हो जिसमें पतंगों की ज्यादा है ये पतंग कीट को ही मारते हैं जिसकी इल्ली अवस्था होती हो है इल्लिया से फिर पतंग बनते हैं तो वैसे ही कीट के अंडो को अपना ये शिकार बनाते हैं और उसमें अपने अंडे डालकर उसमें पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करते हैं तो ये ट्राइकोग्रामा किलोनिस है ये बहुत कॉमन है इंडिया में मिलता है और इसको आप किसी भी क्रॉप के अंदर इसको रिलीज कर सकते हो उसके बाद में ट्राइकोग्रामा पेटियोज है ये भी है इसको आप ज्यादातर आप सब्जियों वाले और फ्रूट्स में यूज कर सकते हो सब्जियों में टमाटो है और आपका टमाटो के और में दो तीन कीट आते हैं जिसको हेलीकोरपा बोलते हैं या टूटा बोलते हैं उसके कंट्रोल के लिए आप ट्राइकोग्रामा प्लेटियोज रिलीज कर सकते हैं उसके बाद में ट्राइकोग्रामा जपोनिकम जो है ये आप देख सकते हैं जो सबसे काला आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कॉर्नर में ये ट्राइकोग्रामा जपोकिनिकम जो है ये राइस में जो धान में स्टेम बोरर आते हैं जो तना छेदक आता है राइस के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है उसके बाद में ट्राइकोग्रामा एक ही जो है ये नीचे अगर आप आओगे तो ये जो स्पीसीज है ये वेजिटेबल में ज्यादातर टूटा सुलूटा टोमेटो में जो इंसेक्ट आता है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है और कुछ हद तक कि इसको कैबेज में भी यूज किया जाता है और एक दो इंसेक्ट जो आते हैं जो कैस्टर में आते हैं जिसको एरेंड बोलते हैं उसमें जो सेबिल ऊपर आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है उसके बाद में ट्राइकोग्रामा एम्ब्रियो है इस को हम एप्पल में यूज़ करते हैं, जो एप्पल के कुछ जो शत्रु कीट है, उस जो है जिसको सेब के सत्रु कीट है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसको हम यूज करते हैं उसको अब ये अब वो जो हमने देखा है उस ट्राइको का, को उसका कैसे लेबोरेटरी में उसको कैसे प्रोडक्शन करते हैं ये मैं आपको बस शॉर्ट में इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि इसको हम लेबोरेटरी के अंदर इस तरह से प्रोडक्शन करते हैं इसको जिसको हम लेबोरेटरी में इस कीटक को हम अपने आ, उगा, मतलब इसको बढ़ाते हैं उसके बाद में इसके जो आ, फीमेल्स होती हैं मॉस होती हैं जिसके पतंग होते हैं उसको हम रेयर करते हैं उसको रेयर करने के बाद उसके अंडे निकालते हैं और अंडे को हम इस कार्ड में पेस्ट कर देते हैं पेस्ट करने के बाद में फिर इसको हम इस बलून के अंदर जो आप देख सकते हैं और देख सकते हो कि बहुत सारे उस कार्ड के ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं तो ये डॉट्स नहीं है ये अंडे है और इस अंडे के अंदर जो है ये ट्राइकोग्रामा पल रहा है तो जब ये पांच दिन का हो जाता है तब इसको हम निकाल लेते हैं निकालने के बाद में इसको हम फार्मर के यहाँ भेज देते हैं जो भी अगर हमें मतलब जो जिसे भी रिलीज करना है तो उसको हम यहाँ से पूरे भारत भर में इसको भेज देते हैं अगर जिसे अपने जैविक कीट नियंत्रण में ऑर्गेनिक फार्मिंग में या सेंद्रीय खेती में इसको यूज करना है वो अपने यूज कर सकता है जो भी इसका हाँ ये यहाँ ध्यान रखना है कि आपके कौन सी फसल है और कौन सी फसल में कौन सा कीट है और उस कीट के हिसाब से हम ट्राइकोग्रामा की प्रजाति प्रजातिया को डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रजाति किस कीट के विरुद्ध अच्छा काम करेगी तो हम उसी हिसाब से इसको इसको रिकमेंड करते हैं कि आप ये इस प्रजाति छोड़िए तो आपको इसमें अच्छा बेहतरीन मैनेजमेंट और कंट्रोल मिलेगा ये आप देख सकते हैं इसका और मतलब पॉलीथीन से बाहर निकाला गया है इसमें आप देख सकते हो कि ये छोटे छोटे जो है ट्राइको के ऊपर छोटे छोटे अंडे हैं और इसके अंदर ट्राइकोग्रामा अंड पर जीवी पल रहा है इसको आप देख सकते हैं और इसमें एक और मैं आपको कहना चाहूंगा आप सभी किसान भाइयों को कि इसमें जो आप लाइन देख रहे हो ये है ना सिक्सटीन स्मॉल स्मॉल जो बॉक्स देख रहे हैं ये पूरे सोलह है दो लाइन में है एक में आठ है और ऊपर में आठ है छोटे छोटे बॉक्स तो इसको कैसे फील्ड में आपको रिलीज करना है पहले इसको क्या करना है जब अगर अगर हमने आपने ट्राइको कार्ड को खरीद लिया है या ले लिया है इस ट्राइको कार्ड को आपको कट कर देना है और कट करने के बाद में इसको आप जो 16 जो डिमार्केटेड पॉइंट है इसको आप में इससे कट कर लेना है आपको कैंची से कट कर लेना है इसके सोलह बिट्स बना लेना है

तो ये अगर आप सोलह हजार से बीस हजार पकड़ेंगे एक औसत के अनुसार तो इसको एक लाख बनाने के लिए हमें छह कार्ड की आवश्यकता छता तो इसको एक रिलीज करने के लिए आपको एक हेक्टर आपके पास में जमीन है एक हेक्टर की फसल है तो उसमें आपको ये छह कार्ड लगेंगे और इसको अगर आप कार्ड कट कर दोगे तो सोलह से सोलह इंटू सिक्स हो जाएंगे तो ये आपको लगभग नाइन्टी सिक्स पीसेस मिलेंगे और ये पीसेस को नाइन्टी सिक्स इक्वल डिस्टेंस पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है फील्ड में इसको क्या करना है कि आपको जैसे आप देख सकते हो यहाँ एक किसान भाई है जो इन्होंने इन्होंने अपने टोमेटो की टमाटर की फसल में इन्होंने इसको ट्राइको कार्ड को लगाया इसमें आप ये देख सकते हो कि इसे क्या करना है जब छोटे छोटे बीट्स को आप ट्राइको कार्ड को काट लोगे काटने के बाद में क्या होगा कि इसको आपको स्टेपल कर कर देना है तो आपको ये देख सकते हैं कि ये, आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि ये किसान भाई जो है ये स्टेपल कर रहे हैं तो इसके जो छोटे छोटे बिट्स को आपको स्टैपल कर देना है आपके दस या बीस कदम से एक यहाँ एक बार आपने इस जगह पे स्टैपल किया बीस कदम आप आगे जाकर फिर स्टैपल करिए तो इसको पूरे ही फील्ड में आपको एक समान अंतर पे इसको स्टैपल कर देना है जिससे क्या होगा कि इसकी जो ट्राइकोग्राम है फ्लाइन रेंज है ये बारह से तेरह मीटर है और ये बारह से तेरह मीटर सभी दिशाओं में ये फैल जाता है तो और जब एक जगह आप अगर रिलीज करोगे तो वहां से बारह से तेरह मीटर सब तरफ जाएगा फिर आप वहां से बीस कदम और जाओगे तो वहां से बारह तेरह मीटर जाएगा तो इसी तरह से क्या होगा कि ये पूरे खेत में जो है ये अंडे परजीवी फैल जाएगा और जब आपके खेतों में जो शत्रु कीट अंडे दिया है जिसने तो ये ढूंढ ढूंढ कर उसको उसमें अपने अंडे डाल देंगे तो इ, इसमें एक और आवश्यकता ऐसी होती है कि आप, आपको जैसे अभी टोमेटो इसमें तीन से छह बार आपको रिलीज करने की आवश्यकता पड़ती है आपको तीन या तीन से छह बार क्योंकि आपको पतंग जो है वो कंटिन्यूअसली आपके फील्ड में आपके खेतों में अंडे डालते रहते हैं तो उसी इसीलिए हमको है। कभी तीन से बार आप इसको रिलीज कर सकते हो जैसे आपका और एक यहाँ मैं एडिशन करना चाहूंगा कि ट्रैको कार्ड रिलीज करने के, लिए, के पहले आपको फिरोमन ट्रैप भी यूज करना है फिरोमन ट्रैप को आपको जो भी आपका इंसेक्ट है या जो भी शत्रु कीट है उसकी आपकी पहचान करनी है पहचान करने के बाद में आपको उसके उसका जो है फिरोमन ट्रैप्स इंस्टॉल कर देना है फिरोमन ट्रैप्स में अगर आपको एक से दो या तीन जो भी किट है उसके हिसाब से अगर आपके ट्रैप में अगर मॉथ्स जो है पतंग की पतंग पकड़े जाने लगे उसमें तो आपको ट्राइको कार्ड रिलीज कर देना चाहिए तो ये दोनों को साथ में लेकर चलना है फिरोमन ट्रैप और ट्राइकोग्रामा को देखना है एक ही साथ में मतलब उसके बेस में ट्राइकोग्रामा को यूज करना है फिरोमन ट्रैप इसलिए यूज इसलिए जरूरी है कि वो आपको बताता है कि आपके खेतों में अभी शत्रु कीट आया है या नहीं है अगर वो उस आ, उस फिर ट्रैप में जाके अगर आपको मिलता है फंस जाता है तो वो बताएगा कि आपको आपके खेतों में अभी शत्रु कीट की अवस्था मतलब मात्रा बढ़ रही है ए, एक पहले दिन अगर एक मौत है दो तीन दिन बाद दो तीन मौत हो जाएगी तो उसका एक इकोनॉमिक थ्रेश लेवल होता है उस थ्रेश से अगर क्रॉस कर जाती है तो आप उसको ट्राइकोग्रामा को आपको खेतों में लगा दीजिए इसका मतलब क्या होगा कि मौत जो है जो पतंग है वो अपने वो एक देना शुरू कर दी है तो उस एक अवस्था को ही हमें टारगेट करके ट्राइकोग्रामा को रिलीज कर देना है जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा ये जैसे एक मैंने आपको सैंपल के हिसाब से बताया है कि जैसे ट्रैकोग्रामा है ये एक डायग्राम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है ट्राइकोग्राम आप ले लेते हो और आपके फील्ड में अंडो की अवस्था है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा जिससे क्या होगा कि ये जो टोमेटो पे फ्रूट बोरर है ये नहीं आएगा और इसका जो अडल्ट है इस तरह से दिखता है तो अगर आप अंड अवस्था में ही आप अगर कीट को मार देते हो तो आपके पास में न इलिया रहेगी जो इलिया जो है ज्यादा इलिया ही नुकसान करती है फसलों को तो वो फसलों को वही खाती है तो वो अगर अंडे की अवस्था में अगर उसे हम मार देते हैं तो इलिया नहीं रहेगी तो आपके क्रॉप को आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचेगा शत्रु कीटों से सेम ऐसा ही मैंने अभी एक कैबेज का एग्जाम्पल दिया है यहाँ कैबेज में आप ट्राइकोग्रामा रिलीज कर दीजिए अंडे को वो किल कर देगा जिससे आपका लार्वा जो है मतलब सुंडी अवस्था नहीं आएगी और उसके बाद में आपको इस तरह से कोई डैमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा और ये आप देख सकते हो कि जो डायमंड बैक मौत है कैबेज में इन्फेस्टेशन इस तरह से खा जाता है जिससे क्या होता है कि कैबेज में क्या होता है कि पत्तियां तो खा जाती हैं जिससे आपका जो हेड साइज है आपके कर्ड का साइज जो है कैबेज का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है उसके साथ में होल्स होने के बाद में इसका मार्केट वैल्यू भी कम हो जाता है तो मार्केट वैल्यू कम हो जाता है जहाँ की वेट रिडक्शन हो जाता है वेट भी कम हो जाएगा फिर उसमें उसको अगर उसमें अगर आपके होल्स है हेड्स में तो उसको आप दो तीन लेयर निकालोगे तो आपका जो हेड्स का होता है उसका वेट भी कम हो जाएगा इससे क्वालिटी भी कम हो जाएगी उसके बाद में अभी ट्राइकोग्रामा की विभिन्न प्रजातिय जो है ये मैंने एग्जाम्पल दिया है किस किस कीट के लिए किस किस फसलों में छोड़ा जाना चाहिए तो ट्राइकोग्रामा का पत्ता गोभी भिंडी टमाटर बैगन और गन्ने में आप इसको छोड़ सकते हैं उसके बाद में दूसरा जो परजीवी है टेलनोमस टेलनोमस रिमस जिसे कहते हैं टेलनोमस स्पीसीज ये भी आपको आंखों से नहीं दिखेगा ये भी एक अंड परजीवी है जिसको आजकल मक्के में फिजीपड़ा फिजिपोरा नियंत्रण करने के लिए यूज किया जा रहा है बहुत अच्छा पैरासीटॉइड है ये और ये पैरासिटॉइड को भी हम लेबोरेटरी में इसका बहुगुणन करते हैं और इसे हम यूज कर सकते हैं और ये जो है जो मक्के में आज लश्करी अड़ी जिसे फॉलोअर में हम करते हैं उसके लिए बहुत ही कारगर है इसको आप देख सकते हैं सोयाबीन में जो स्पोडोप्टेरा आता है उसके लिए भी ये कंट्रोल करता है जैसे इस जैसे इसलिए जो आप देख सकते हो और इसको रिलीज करने की जो मात्रा है इसको एक लाख प्रति हेक्टर से आप इसको रिलीज कर सकते हैं सेम यहा मैंने वही बताया ये फार जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं अब इसके बाद में जो दूसरा एक है अब पहले हम बात की अंड परजीवी की अब उसके बाद में था एक लारोल पैरासिटॉइड तो ये अंड अंड सुी परजीवी एक ऐसा परजीवी है जो क्या करता है कि अंडे में अपने शत्रु कीट के अंडे में अपने अंडे तो डालता है लेकिन इसका जो पूरा जीवन जो है डेवलपमेंट होगा वो उसकी सुंडी अवस्था में लार्वल अवस्था में होगा और जब लार्वा उसमें लार्वा जब लार्वा में ये पूरा अवस्था डेवलप कर देगा तो लार्वा मर जाता है और लार्वे के बाद में ये परजीवी निकल जाता है और ये परजीवी को हम कहाँ ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं कॉटन बोलोवर्म को रोकने के लिए गोभी में जो स्पोडोटेरा आते हैं उसको रोकने के लिए

वो उसके अंदर पूरी विकसित होती है उसके बाद में अडल्ट जो आप देख सकते बाहर जो मैंने दूसरे फोटोग्राफ में लगाया इस तरह से निकलता है तो ये जो है ये काफी बहुत ही प्रूवन है ये कोकोनट ब्लैक हेडेड कंट्रोल करने के लिए और कोकोनट में क्या होता है कि इसको रिलीज करना कैसे तो कभी कभी डिफिकल्टी आती है किसान भाइयों को तो इसको रिलीज करने के लिए भी बहुत ईजी टेक्निक है आप अगर इस तरह से आपको अगर आप इसको खरीदना चाहे या आप इसको आपके पास ये पैरासिटॉइड है तो इस तरह से आपके कंटेनर में ले लीजिए और इसके बाद में ये पैरासीटॉइड को आपको कॉटन ले लेना है कॉटन लेने के बाद में बस उसको आपको एक मीटर ऊपर जो है आपका कोकोनट का ट्री है उसमें बस आपको रख देना है तो दस उसको आप रख दोगे तो ये धीरे धीरे उसमें से ये चलना शुरू कर देगा और ये चलते हुए वो जहां ऊपर पहुंच जाएगा कोकोनट ट्री पे और ये वहां से सर्च करेगा जहां जहां भी ये कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर के लार्वे जो डैमेज कर रहे हैं वहां सर्च करके उसमें अपने अंडे डाल देता है जिससे उसका डेवलपमेंट उस लार्वा में शुरू हो जाता है तो इसकी रिलीज करने की मेथड भी इजी है और आपको उस पर चढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है उसके बाद में एक और सुंड परजीवी है ये भी आंखों से आपको नहीं दिखेगा लेकिन आप बहुत से किसान भाइयों ने इस तरह के जो कोष है आपके खेतों में देखा होगा जनरली जो भाई जो किसान भाई है जो इसमें काम कर मतलब कैबेज या कालीफ्लावर में देखा होगा या आपने राइस के खेतों में देखा होगा धान के खेतों में तो ये ये जो पर्टिकुलरली मैंने यहाँ दिया है ये परजीवी को हम लेबोरेटरी में मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको मिल सकता है इजिली अवेलेबल है आप अपने खेतों में रिलीज कर सकते हैं इसको हम ज्यादातर गोभी की जो गोभी वर्गीय है, सब्जियों हैं उसमें जो आने वाले पेस्ट है जैसे डायमंड बैक मॉथ के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए उसको मैनेज करने के लिए उसके बाद में एक और जो है मिलीबग नियंत्रण के लिए जो पपाया के अंदर मिलीबग आता है पपाया जैसे आप देख सकते हो कि पपाया बग पपाया में पूरा मिली बग ने उसको छेप लिया है पूरा उसको छाप लिया है उसमें तो ये जो है ये जो दो है मैंने है मैक्सिकाना ये दो पर जो परजीवी हैं ये परजीवी बहुत अच्छा काम करते हैं इस पपाया मिली बग को नियंत्रण करने के लिए और इस परजीवी की एक और खास इसका एक खास खासियत ये है कि ये परजीवी को आपको एक बार दो बार रिलीज करने की आवश्यकता उसके बाद में आपको रिलीज करने की आवश्यकता नहीं है तो ये क्या करते हैं कि एक बार अपने खेतों में अगर ये स्टाब्लिश हो जाते हैं अगर आपने इसको रिलीज कर दिया और उनकी काफी वृद्धि हो गई तो उसको आपको एक या दो साल तीन साल आपको रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ये क्या करते हैं जहां जहां भी ये पपाया मिली बगाएगा उसमें अब उसको खोज खोज कर उसको पैरासिटाइज कर देते हैं उसमें अपने अपने जो है उसकी जनरेशन को उसमें डेवलप कर देते हैं जिससे ये कंट्रोल हो जाते हैं तो इसको हम इनोकुलेटिव रिलीज करते हैं इसको ज्यादा मात्रा में रिलीज करने की जरूरत नहीं है तो ये जो परजीवी है इस इसको इसको आराम से आप इसको अपने फील्ड में रिलीज कर सकते हैं और इसका एक और है कि ये कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल में आता है तो इसको आप अगर केमिकल इंसेक्टिसाइड अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो ये आपके यहाँ ईयर टू ईयर आपके यहाँ रहेगा उसके साथ में जैसे मैंने पहले बात की कि गन्ने में सेरेक्शन जैविक कीट नियंत्रण इसमें भी वही है कि ऊली एफिड को मैनेज करने के लिए एक और ये निम्फल पैरासिटोइड है जिसे हम एनकारसिया कहते हैं इसको भी आपको एक बार रिलीज कर देना है तो ये वहाँ आराम से एस्टेब्लिश हो जाता है उस शत्रु कीटों पर गन्ने के ऊली एफिड पे और फिर अपने जो है वहीं वो पलता बढ़ता है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन कंप्लीट करता है तो इस तरह से ये चलता रहेगा तो इसको भी ज्यादा बार रिलीज करने की जरूरत नहीं है इसको एक या दो बार आप खेतों में रिलीज कर दोगे तो उसके बाद में ये वहीं इस्टिश हो जाएगा तो इस ये भी कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल में आता है उसके बाद में ये कुछ परागन कीट है जो आपको आप बहुत से फार्मर जानते हैं हनी बीस है जिसमें बम्बल बीस है वाइल्ड बीस आती है तो इसे भी हमें कंजर्व करने की बहुत जरूरत है जिससे क्या होता है कि ये आपके खेतों में जितनी एक्टिव रहेंगी उतना ही आपका प्रोडक्शन खेतों का ज्यादा होगा और उसके बाद में मैंने 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 मित्र किट के साथ साथ जो मैंने अभी एक और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है मित्र किटों के अलावा हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ जो शत्रु किट को मारने के लिए उसमें जो है अः हम डिसीज डेवलप करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग में जैसे होता है कि हमें रोग हो जाते हैं कभी जो तो वैसे भी हम शत्रु कीटो में रोग रोग डेवलप करके उसे हम मार सकते हैं तो इसमें पहला जो कैटेगरी आती है जिसे फंगस सो हम जिसे एंटोमोपैथोजेनिक फंगस कहते हैं ये फंगस जो है ये आप उसको लेकर आपके खेतों में छिड़काव कर सकते हैं जिससे क्या होता है कि जो जो इसके कांटेक्ट में आएगा या जहां जहां ये इसके जो स्पोर्स गिरेंगे तो उसके बॉडी से टच हो जाएंगे या खाने में जाएंगे तो ये उससे उसके उसमें रोग रोग पैदा कर देगा जिससे वो लार्वा जो है या इमेच्योर स्टेज जो है वो संक्रमित हो जाएगी और उससे वो मर जाएगा जैसे आप देख सकते हो कि स्वस्थ लार्वा फालमियम का है और यहाँ संक्रमण होने के बाद में उसके पूरे जो है ये संक्रमित होने के बाद ये मर चुका है तो जैसे अभी एंटोमो फंगस में सबसे ज्यादा फेमस जो फंगस है आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट में कहीं भी आप इसको परचेस कर सकते हो जैसे ब्यूरी बैसिना है मेट्रेजियमसोपली है वर्टिसलियम लकनी है ये सबको आप इसको यूज कर सकते हैं जिसको एंटोप फंगस कहते हैं ये रोग डेवलप करता है शत्रु कीट में और उसे मार देता है ये आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो बेरोना को आप हेलीकॉर कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हो मेट्रेजियम सप्ली को आप गन्ने में यूज कर सकते हो ये क्या करता है कि गन्ने में जो वाइट हैं जो जमीन के अंदर आपके गन्ने के जड़ों को खा जाते हैं उसको उसमें आप अगर इसको कंपोस्ट के साथ मिक्स करके डाल देते हैं तो ये संक्रमण पैदा कर देता है जो खाने के लिए वहाँ उसको आएंगे उसके बाद में लकनी सिलेम लकनी है ये मावा सफेद मक्खी मिलीबग ये दोनों को इस इन तीनों इंसेक्ट को इन शत्रु कीट को कंट्रोल करता है उसके बाद हम बात करें बैक्टीरिया। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, वो भी सं कीटों को शत्रु कीटों को संक्रमण कर संक्रमन करते हैं और उसको मार देते हैं ये संक्रमण जो है इसको आप आपके स्प्रे कर सकते हो आपके फील्ड में इसको आप सोल्यूशन इंसेक्टिसाइड की तरह आप इसको स्प्रे करके इसको मार सकते हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया है ये कैबेज में डायमंड बैक मॉथ है जो स्वस्थ लार्वा है और स्प्रे करने के बाद में इसके तीन से चार दिन बाद में ये संक्रमित हो जाता है और इस तरह से ये लार्वा दिखता है जैसे आप सब जानते हो बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला बैक्टीरिया बैक्टेरिया बेसिलसुरजनिस है तो ये बेसिलसेंजनिस इजिली अवेलेबल है इसको आप पर्टिकुलरली लेपिडप्टेरन इंसेक्ट को टारगेट करने के लिए यूज कर सकते हो उसके बाद में एक सूत्रकूमी है जिसको हम नेमेटोड्स कहते हैं इसमें भी में एक है प्लांट पैरासाइटिक आते हैं जो प्लांट को हार्मफुल और उसके साथ में बेनिफिशियल भी आते हैं हैं जिसे हम एंटोमोपैथोजेनिक कहते हैं, जो इंसेक्ट को जो शत्रु कीट को संक्रमण करते हैं उसके अंदर घुस उसमें अपनी अवस्था को बढ़ाते हैं और उसके बाद में नष्ट कर देते हैं सूत्रकूमी जो है बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं और उसके बाद में उसको मार देते हैं तो इसमें आप ये देख सकते हो कि गन्ने में जिस तरह से ये रूट ग्रब है जिस रूट ग्रब है जो जड़ों को खाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आप गन्ने की फसल में ये एंटोमोपैथोजेनिक एंटोमोपैथिति है सूत्रकुमी को अगर आप छोड़ देते हो इसको रिलीज करना भी बहुत ईजी है आपके ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम में इसका घोल मिलाकर डाल दीजिए और उसको कंटिन्यूस चलाते जाइए तो ये आपके ड्रिपर से रूट जोन में पहुंच जाएगा तो रूट जोन के पहुंचने के बाद में क्या होगा ये सूत्रकुमी जो है ये ये सर्च करने लग जाएंगे कि कहा ये रूट ग्रब्स हैं जो जड़ों को खाने आ रहे हैं तो इस तरह फिर वो क्या करेंगे ढूंढ कर उसको उसमें घुस जाएंगे पेनिट्रेट करके उसके जो नेचुरल ओपनिंग्स है उसमें से स्पाकल्स से ये अंदर चले जाएंगे और उसके बाद में वहां उसका उसके अंदर प्रोडक्शन उनका शुरू हो जाएगा उनका मतलब वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे वैसे ही मक्के में जो फाल फारिम है उसमें अगर आप इसका स्प्रे करते हैं अर्ली स्टेज में लगभग तीस से पैंतालीस दिनों में तो आपको अच्छा इसका कंट्रोल मिल सकता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ दिया है ये सूत्रक्रूमी को आप यूज कर सकते हो हल्दी में जो रूट ग्रभ आते हैं उसको जो जड़े काटते हैं हल्दी की उसमें यूज कर सकते हो नारियल में यूज कर सकते हैं अमरूद में गावा में जो लगता है उसे तो ये आप देख सकते हैं कि दूसरे फोटोग्राफ में जो 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 है इस ग्रब जो है इस जो के अंदर अपने संख्या को किस तरह से प्रोडक्शन हो गया और जब ये ग्रभ मर जाएगा तो फिर ये बाहर निकल कर फिर और दूसरे ग्रभ को ढूंढने चले जाएंगे जो जड़ों को खा खा रहे हैं फसलों के तो इस तरह से ये जो फीडिंग स्टेज है जो ग्रब है उसको मार देता है तो ये जो है आप ये लास्ट में जो हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है एन एग्रीकल्चर आई आर की और जो भी किसान भाइयों को बहुत सी इंसेक्ट की जानकारी चाहिए तो वो हमारे वेबसाइट में जाकर एन अगर आप गूगल में सर्च करते तो आपको बहुत सारे हमारे यहाँ डेटा है इसको आप विजिट करके बहुत सारे इंसेक्ट के फोटोग्राफ्स हैं उसकी मेच्योर स्टेजेस हैं कैसे डेवलपमेंट था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल सकती है तो आप जो भी अगर आप और इसमें क्रॉप पेस्ट इंडेक्स देख सकते हो क्रॉप पेस्ट इंडेक्स में अगर आप राइस है तो आप ये देख सकते हो कि राइस में कितने शत्रु कीट आते हैं और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ फीचर इंसेक्ट है उसमें आपको मित्र कीटों की कौन कौन से मित्र कीट है उसकी पहचान कर सकते हो तो आप अपने फील्ड में देख कर उस कीट को आप कंपेयर कर सकते हो कि ये लगभग वही कीट हो सकता है तो इससे जिससे आपको मित्र कीट मित्र कीट और शत्रु कीटों की पहचान आपको अच्छे से हो जाएगी और आप हमारे अगर आपको कोई चीज़ की ये है आप हमसे जुड़ सक मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं ये हमारा इसमें एड्रेस है टेलीफोन है ईमेल आईडी है और सब ये आपके लिए कांटेक्ट के लिए है सो थैंक यू टू एक्नॉलेजमेंट थैंक्स टू डायरेक्टर एंड बेयर फॉर प्रोवाइडिंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक इन दिस इवेंट देन माई एंड थैंक्स टू माई फार्मर फ्रेंड्स ज्वाइन हियर फॉर लिस दिस टॉक ऑन द

क्या वो हम खरीद सकते हैं हाँ इसमें जो मित्र किट है इसको आप खरीद सकते हो जैसे मैंने कुछ बताया कि हर किटों को हमें प्रोडक्शन करने के लिए प्रोटोकॉल डेवलप करना पड़ता है तो इसमें बहुत सारे जो मैंने परजीवी है मैक्सिमम जो परजीवी को मैंने बताया कि जो किट बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम लेबोरेटरी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो किट है वो आप आ, मिल सकता है आपको बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स यूज इसको मल्टीप्लाई करती हैं जैसे महाराष्ट्र में है बहुत से के वी के इसको मल्टीप्लाई करते हैं और हम हमारे तक भी हम भी इसको प्रोडक्शन करते हैं और सप्लाई करते हैं फार्मर्स के लिए तो ये इसका अवेलेबल है ये जो भी लेकिन हर चीजें अवेलेबल नहीं है जैसे ट्राइकोग्रामा अवेलेबल है टेलनोमस अवेलेबल है आ, उसके बाद में बहुत सारे जो परजीवी है प्रेडिटर है जैसे क्रिप्टोलिमस है ये आपको मिल सकता है उसको आप आ, इसको परचेस कर सकते हैं इसको स्टेट गवर्नमेंट में भी और इवन अगर शुगर कैन फैक्ट्रीज हैं जैसे बहुत से स्टेट में तमिलनाडु है या आंध्रा है आंध्र प्रदेश है महाराष्ट्र है तो बहुत से शुगर कैन फैक्ट्रीज हैं वो भी इसको ट्राइकोग्रामा को मल्टीप्लाई करती हैं तो आप उससे मतलब उनसे भी परचेस कर सकते हैं जो आपके नियर हो जिससे आपका कॉस्ट uh, ऑफ uh, जो कुरियर है ये सब आपका कम हो जाएगा और जिससे ये आसानी से दो या तीन दिन के ड्यूरेशन में आप तक पहुंच जाएगा अच्छा ये हमारे पास कुछ क्यूरियस भी आए थे महाराष्ट्र से और गोवा से भी कहाँ से उनको खरीदना मोस्ट पॉसिबल होगा तो एन बी आर से अगर मतलब कहीं और नहीं मिलते तो एन में कांटेक्ट करते हैं तो NBIR क्या है ये कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ हमारे पास में जो जो लिस्ट अवेलेबल है उसमें से अगर है तो हम आपको उसको सप्लाई करते हैं क्योंकि हम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फार्मर्स दोनों को ही प्रोवाइड करते हैं ओके चलिए तो uh, कहीं और का अगर नहीं मिला तो कम से कम एन में तो इसका पक्का तो मिल जाएगा ठीक है और एक प्रश्न है कि मित्र कीट से खेत में ज्यादा मात्रा होती है तो क्या ये नुकसान होता है मतलब अगर मित्र कीट की संख्या ज्यादा होती है तो नहीं कैसा? इसे मित्र कीट तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है तो हाउ डे डू हार्म सो उसे कोई मित्र कीट अगर आपके खेतों में बढ़ जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छे है अच्छा है ये अच्छा संकेत है कि नहीं, आपके उनका भक्ष्य अगर मतलब शत्रु कीट खत्म होने के बाद वो किसके ऊपर भोजन करते हैं या भक्षण करते हैं या ऐसा नहीं है ना कि वो बाद में नहीं, नहीं नहीं क्या करते हैं कि देखो अगर शत्रु कीट अगर बढ़ जाते हैं शत्रु कीट अगर आपके कम हो गए तो क्या होता है कि मित्र कीट जो है उनको शत्रु कीट चाहिए उनकी नेक्स्ट जनरेशन चालू रखने के लिए तो अगर आपके खेतों में शत्रु कीट नहीं है तो वो पलायन कर जाते हैं दूसरे और कहीं चले जाते हैं सर्च करने के लिए इसीलिए हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ मतलब ये एडवाइस करते हैं कि आप कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स लगाइए बॉर्डर क्रॉप्स लगाइए जिसमें वो कंजर्व रहेंगे तो उस उसपे कंजर्व रहेंगे तो जब आप दूसरा क्रॉप लोगे हार्वेस्ट करने के बाद तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो उस पर शिफ्ट हो जाएगा आपके मेन क्रॉप पे फिर उस, उसको कंट्रोल करेंगे अच्छा। इसलिए जैसे बॉर्डर क्रॉपिंग होता है जैसे इको, इसको इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम ऐसे और प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं या फिर उसमें जो ये उसमें जाकर कंजर हो जाए एक बार आप जब क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो ये उस उसपे चले जाएंगे

क्योंकि लेकिन हर हर का हर होस्ट किसी न किसी का मतलब हर हर इंसेक्ट जो है किसी न किसी का भक्षण करता है या किसी न जैसे के ऊपर अपना जो है लाइफ साइकिल डेवलप करता है अच्छा तो ये मतलब उसमें हाइपर पैरासिटाइड होने के चांसेस तो होते हैं चांसेस होते बराबर लेकिन हम जो रिलीज करते हैं आपने जो अभी बताया मित्र कीट उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे मित्र कीटकों को खा

सभी और जो प्रीडेटर्स होते हैं तो इनमें डिफेंसिंग मैकेनिज्म होता है दे आर वेरी स्मार्ट प्रीडेटर पैरासिटोइड से अपनी डिफेंसिंग सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है डिफेंस करने की इसमें हम्म हम्म ठीक है और एक है उसमें कि अभी ही मतलब अभी हम आ, किसान भाई जो देखते हैं कि उसके पूरा कंट्रोल होता है क्या शत्रु कीट पे तो इससे मतलब क्या केमिकल से है वो कहता है कि दो स्प्रे कर लीजिए तो दस दिन या आठ दिन में उसका कंट्रोल हो जाएगा तो इससे 100 परसेंट इफेक्टिव होना या पूरा कंट्रोल होना उसके लिए हम क्या कर सकते हैं मतलब आप है ये मतलब कि की मित्र कीट जो है ये 100 परसेंट कंट्रोल करते हैं या नहीं हाँ मित्र कीट करने से शत्रु कीट का पूरा कंट्रोल होता है क्या ये या? जो है एक्चुअली क्या होता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है इसमें ये ऑर्गेनिक सिस्टम में आप इसको कंटिन्यूसली यूज करोगे तो ये आपको यूज करेगा और इसमें क्या होता है कि जैसे आ, अगर मैं दो चीजें बोल दूं कि कुछ कुछ जो पैरासिटोइड्स हैं या फिर कुछ कुछ जो मित्र कीट है इसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज करना चाहिए अच्छा। मतलब क्या है कि आप हर जगह इंसेक्टिसाइड पहुंच नहीं पाता है जैसे अभी इंसेक्टिसाइड है अगर लोअर लीफ ऑफ द लीव में अगर कोई इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड अगर ऊपर से बह जाता है तो उस अवस्था में जो पैरासिटोइड कुछ काम करते हैं तो हमें क्या करना है कि जैसे ट्राइकोग्रामा है ये 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 अकेले आपको आपको 40, 50, 60 आपको ये दे देगा कंट्रोल रिमेनिंग जो जो है 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 अगर क्योंकि ये एक एक जो है एक को टारगेट करता है, चार पांच दिन बाद जो है लार्वे हैच हो जाएंगे तो लार्वे पे ये परिटॉइड काम नहीं करेगा तो उसमें क्या होता है कि आपको अदर बायोलॉजिकल कंट्रोल आप यूज कीजिए जो लार्वल पैरासिटॉइड है या फिर आप जो नीड बेस और सिलेक्टिव और सेफर इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हो अच्छा। लेकिन कंजर्वेशन बायोलॉजिकल कंट्रोल में अगर आप उस पैरासिटाइड को जनरेशन टू जनरेशन कंजर्व करोगे तो आपको कहीं ही भी इंसेक्टिसाइड मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मतलब जैसे पपाया मिली हो गया या फिर जैसे शुगर के नूली या फिड है इनको अगर आप प्रॉपर मात्रा में एक या दो तीन रिलीज में स्टैब्लिश कर देंगे तो इसकी जो ये एक बार बढ़ जाएंगे तो ये स्लोली आपको धीरे धीरे एक या दो साल में पूरा ये आपको ने रिलीज मतलब कम कर देंगे पेस्ट को अच्छा हाँ लेकिन ये है कि आप इसको टाइम देना पड़ेगा इसीलिए हम कहते हैं कि इसको रिपीटेड दो तो या चार बार रिलीज करिए करिए पांच बार रिलीज तब आपको इफेक्टिव कंट्रोल मिलेगा नहीं तो क्या होता है कि जैसे मित्र फसल कीट है ये इनका भी कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूस आपको अंडे देते रहेंगे आपके या अपने ला अंडे देंगे उसके जनरेशन चलती रहेगी तो आपको भी मित्र कीट जो है उसकी प्रॉपर अनुपात के हिसाब से उस रेशियो में आपको उसको कंटिन्यूसली रिलीज करना पड़ेगा जब तक आपका क्रॉप हार्वेस्ट नहीं हो जाता है अगर बहुत ज्यादा शूट अप हो गया, बहुत हो गया था, उसको पहले एक या दो केमिकल पे तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं या बायो कंट्रोल बेस्ड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं ठीक है, है. आ, कुछ लोगों ने किया है एक उनसे दरखास्त करूंगा कि वो डायरेक्टली प्रश्न पूछे आ, सचिन जी है सचिन जी आप के मोबाइल पे आप खुद को कुछ करके बात सर बहुत अच्छा मित्र कीटक के बारे में आज डॉक्टर साहब ने हमें अवगत कराया है उनके लिए सर्वप्रथम मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं सोनाला तालुक का संग्रामपुर डिस्ट्रिक्ट बुल्डाना से संतरा और सोयाबीन की खेती करता हूँ जिसमें सोयाबीन में हमें ज्यादा सर ज्यादा खोड़ कीड़ा आ, सर। और चक्री भूंगा ये दो का बहुत ज्यादा अटैक होता है जिससे हमारी फसल जो है वो सेवेंटी परसेंट तक शुरुआत में हम उसमें सीड ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी हमें पंद्रहवें दिन वापिस से एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लेना गिरता है तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट और दूसरा मेरा सवाल है कि मेटाराइजियम जो है मेटाराइजियम यूज

अगर आप स्प्रे लेते हैं जो बायो कंट्रोल बेस्ड प्रोडक्ट हैं तो उसमें आप उसकी जो अवधि है चार पाँच छह दिन या वन वीक इसका इंटरवल आप रख सकते हैं तो जिससे क्या होगा कि आपका अगर इसको आप एक स्प्रे बायो कंट्रोल का यूज कर रहे हैं तो आपका अल्टीमेटली क्या होगा कि एक वीक एक्सटेंड हो जाता है तो आपका जो केमिकल स्प्रे एक कम हो जाएगा तो उसकी जगह बायो कंट्रोल एजेंट आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि जहां आप नॉर्मली दस स्प्रे करते हैं तो उसमें आप ये तीन या चार बायो कंट्रोल के आ जाएंगे तो आपका केमिकल जो स्प्रे है वो कट डाउन हो जाएगा तो इस तरह से उसको आप समन्वय बनाकर उसको यूज कर सकते हैं और बायो कंट्रोल में क्या है कि जैसे फंगस आप मेटरेजियम यूज कर रहे हैं या उसको तो उसमें क्या होता है कि आपको उसको स्टैब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगता है इट इज अगेन डिपेंड ऑन आपका क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह से अगर आपके यहाँ हॉट ह्यूमिड कंडीशन है तो बहुत अच्छे से काम करेगा अगर आपके यहाँ ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो जाएगी तो ये जो फंगस है एंटोबाजी फंगस ये थोड़ा सा स्लो उसकी जो इन्फेक्शन है वो कम स्लो हो जाएगा तो ये अगेन क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है सर uh, इसमें माइक्रो uh, न्यूटन जो होते हैं सेकेंडरी माइक्रो न्यूटन अपन जो यूज करते हैं वो वो मेटाराइजियम के ऊपर कुछ इफेक्ट करते हैं क्या मतलब माइक्रो uh, न्यूट्रिय हाँ माइक्रो न्यूट्रिय नहीं मेटराइजियम का तो मोड ऑफ एक्शन सब कुछ डिफरेंट है तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं वो इंसेक्ट में जो है इन्फेक्ट uh, करके उसको मारेंगे तो जो माइक्रो न्यूट्रिय आप प्लांट के लिए यूज कर रहे हो ना या या तो उसका उस, उस पे मेरे ख्याल से कोई इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए तो ओके सर थैंक यू थैंक यू सचिन जी सूरज जी आपका कुछ प्रश्न है आपने हाथ ऊपर के uh, हाँ सर अनम्यूट करके बात करते हैं जी हेलो सर आवाज आ रहा है हाँ आ रहा है बोलिए नमस्ते सर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया सर uh, मैं सोलापुर से बात कर रहा हूँ सर मैं किसान हूँ हम uh, um, एक ग्रेप्स और ये पोमोग्रेनेट का फार्मिंग करते हैं जी तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम तो ये अपना फ्ली बीटल का आता है। और, और ये मिली बग। ये मिली बग के लिए जो आपने पपाया का मिलीबग जो बताया था मतलब वो मित्र इस पे, इस पे आप, ग्रे... आप इसको रिलीज कर सकते जो क्रिप्टोलिमस है ना वो उसको आप रिलीज कर सकते क्योंकि हम जो पपाया जो जो ग्रेप्स का मिलीबग है वो दूसरा मिलीबग है जिसको मेले बोलते हैं तो उसके ऊपर जो मतलब जो है वो हम पपाया मतलब ग्रेप मिली बग पे ही मल्टीप्लाई करते हैं बैटरी में तो आप उसको आराम से यूज कर सकते हो और एक सर क्वेश्चन है सर जो आपने जो क्वेश्चन दिया सर ये इसके हमें मतलब किसान को

तो उसमें अगर आपको जैसे अब वेबसाइट से अगर आप नहीं कन, मतलब कन्विंस हुए तो आप डायरेक्टली भी हमें पूछ सकते हैं ठीक है सर थैंक यू सर और ये ईमेल आईडी है, है सर। तो हेलो हेलो सर, सर।, सर।, सर। हाँ, हाँ। जब आप हम मतलब बेनिफिशियल इंसेक्ट छोड़ देंगे खेत में

Yes, yes, and they also encourage uh, you know black shooting more. Yes, I think ladybird uh, ladybird, and gray wings will be eaten up by these guys. No, uh, mm -hmm. red ants, uh, red ants, they won't they, survive, they are furious. So, they they predict uh, and increase the this. What you said the same, they'll eat the ladybug, uh, ladybugs, huh? uh, uh, they won't allow them to survive. Okay, uh, I don't know. I am asking because I need to bring these red ants under control. So I am having a big uh, problem with them. Yeah, I have seen in Konkan region, uh, this uh, in mango and cashew, this red ant having a problem. Mm. But yeah. uh, the one benefit is that red ant, uh, uh, many are predator on. I know, I know that. But then many of my leaves have got black sooty mold. The whole leaves are covered, whole tree is covered with black sooty mold. So they problem become the nuisance. Yes, problem And they, is a big problem. Yes. Because yes. They, are, they are protected by these uh, red ants. Yes, yes. So, how do we tackle that issue? Mm, you can release a millibug uh, for if you have a millibug problem, you can release a cryptolemus. Only thing is that uh, if you have colonies, you have to destroy them. That's all you have to uh, cut out. And I'm destroy. trying to do th that, I'm trying to do. And I have also used the uh, a as following on their nest that seems to bring them under control. Mm -hmm. But if the nests are right up, you know, on the trees, then it becomes difficult. Uh, to it's so difficult, them. yes, even so that is the, the issue. So difficult. That is the issue. So, how do we handle that? Problem? For this, is there uh, any bug that will take care of these ants? as I'm looking uh, at. that As such, no. What about is redu? Uh, redu? They uh, would take Reduids care of them. are the actually Reduits are good predator. Uh, they predate, but uh, multiplying in the lab is a tough job for us. Okay, but because would they take care of these ants? Uh, they would they take care of these ants? That's what I'm looking at. आह वैसे और एटलिस रिड्यूस या कॉल नहीं फ्रेंडली रिड्यूस या कॉल नहीं सही आह दें दे वुड नॉट बी अ बिगर बिगर प्रॉब्लम राइट नाउ देर अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी हाँ आई नो दैट दे बिकॉज़ दे मेक न्यूसेंस इन दिस टू कैशुए एंड ऑल दिस एंड ऑलचेड या या सो एस आफ यू डों I'll get yeah. in touch with you, because yes. I, I, we are totally organic. Yes. We have used all these products, uh, basanias, all those products we have used. Yeah. But yeah, we know that, but what happens is, they work well when there is more moisture. If yes. it is dry and all, you have a little bit of a problem there. Mm -hmm. And they are individuals. so I'm looking at something that can take care of uh, various things. Mm -hmm. And oh, basically, well, I need to bring these ants under control, because okay. they're not allowing ladybugs to come up. I don't know whether gracing will survive with the red ants around. Mm -hmm. Uh, you write this uh, question to us, uh, uh, so yeah. if, uh, any of our scientists uh, who is well versed with uh, and yeah, yeah, uh, yeah they will suggest yeah. you. Huh? So I will follow yeah. them, if, if you write on my personal yeah. mail also, okay. Yeah, okay. Antanji, uh, you can find the mail id on the website also, on the thank you page we will be sharing uh, Om Prakash Navigji's email id, so you can write to him and uh, wait for his answer or someone from a scientist will reply to it. Uh, समय कम होने की वजह से हम ज्यादा प्रश्न नहीं ले रहे सिर्फ दो हम और प्रश्न लेके स्टॉप करते हैं और एंथ में हम जब ईमेल आईडी शेयर करेंगे उस पर आप आपका क्वेश्चन डाल के उनसे पूछ सकते हैं एक दो दिन में जैसे उन्होंने बताया वो उन रिप्लाई करेंगे सो हम दो प्रश्न लेते हैं एक विशाल जी है जिनको बोलने की परमिशन दी है विशाल जी आप, आपका सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं या फिर आपने जो टाइप किया था वही है तो मैं पूछता हूँ विशाल जी आप सुन पा रहे हैं हाँ विशाल जी आप पूछिए सर सीताफल में बैटल करके एक कीटक है कीड है तो वो प्रोडक्ट मतलब परागीकरण के लिए उपयोग होता है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम रहती है तो उसके लिए ज्यादा फूड सेटिंग नहीं मिल रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या हम उससे बाय कर सकते हैं तो हमारे यहाँ तो अभी तो ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं है बीटल्स का ओके okay. हाँ लेकिन नेचुरली अगर इसको, इसको हाँ जी उसकी मात्रा यहाँ पे मिलते हैं लेकिन इतने आ, हाँ, नेचर में है वो एग्जिस्ट है नेटिडोलिड जो एकदम छोटे 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 आते हैं एकदम बहुत छोटे होते हैं यस yes, यस yes. हाँ लेकिन अब अभी हमारे लैब में एक और नेटिडोलिड है मैं उसका इंक्वायर करके आपको बताऊंगा आप लिख सकते हो मुझे हाँ ओके ठीक है सर मैं लिख लेकिन इसका एज सच इसका प्रोडक्शन नहीं है हमारे पास में

मतलब जो कैटरपिलर इन्होंने बोला है ये कैटरपिलर जो होता है इसमें दो होते हैं एक तो मौत के कैटरपिलर होते हैं एक बटरफ्लाई के कैटरपिलर होते हैं तो बहुत सारे जो बटरफ्लाई है वो पोलिटिंग का काम करते हैं जो डी डे में एक्टिव होते हैं और जो ज्यादातर पेस्ट हैं जो है वो नाइट में एक्टिव होती हैं तो जो नाइट में एक्टिव होती है वो वो पेस्ट है वो हार्मफुल होती है मतलब लाइक अ पेस्ट दो सारा एक्टिव नाइट तो उसको हम मौत बोलते हैं और ज्यादातर मौत जो होती है उसमें से पेस्ट होती है तो जो पॉलीनेटर हैं जो बटरफ्लाईस है वो पॉलीनेटर हैं सो बी वोट एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे है पैरासिटोइड्स हैं जो है बहुत सारे उसमें से स्पेसिफिक हैं जैसे मैंने ट्राइकोग्रामा की बात किया तो वो पर्टिकुलर में स्पीसीज को करेंगे उसमें से कुछ जनरलिस्ट है वो तो सभी को पैरासिटाइज करेंगे तो और बहुत सारे जो लार्वल पैरासिटोइड है वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं तो इसमें स्पेसिफिसिटी भी है और कुछ यार जनरल भी हैं इन नेचर क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो वो मतलब दे मतलब विलोलॉजिक तो कुछ कुछ तो 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 जैसे कि हमने देखा कि सारे प्रश्न अभी हम ले नहीं पाएंगे वक्त की कमी है हमारे पास तो जितने प्रश्न हमें हो चुके हैं उससे जरूर किसान भाइयों को फायदा हो चुका होगा और आपके और कुछ प्रश्न रहेंगे इंपॉर्टेंट तो ये मेल आईडी है डॉक्टर प्रकाश जी का उस पर आप ईमेल कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी डायरेक्टर जी का ईमेल आईडी है वहाँ से करते तो वहाँ से भी रिप्लाई आ जाएगा तो बाकी जो भी प्रश्न होंगे मैं किसानों को रिक्वेस्ट कर लूँगा कि वो ई मेल पर भेज दे ठीक है निरंजन जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक लास्ट थैंक यू नोट कर लीजिए प्लीज नमस्कार डॉक्टर रा, ओम प्रकाश नवीक जी आपका बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी किसानों के आयुर्वेद सवालों से ऐसा पता लगता है कि आपसे और बहुत सारे आपके साथ करने पड़ेंगे क्योंकि तो सारे सवालों के जवाब अभी मिल नहीं पाए तो राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन केंद्र और डॉक्टर ओम प्रकाश नाविक जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आ, सभी आयुर्वेद किसानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पे मित्र कीटकों के साथ तो दोस्ती हम करेंगे पर उससे पहले हम ये, ये संस्था और ये डॉक्टर जी के साथ भी दोस्ती करनी पड़ेगी तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे तो इसी अभी तो ये वेबिनार हम खत्म करते हैं यहाँ पे लेकिन आगे नाविक जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि बार बार हमारे किसानों के साथ संवाद चालू रहे धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया सभी किसान भाइयों को और एक मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे और दो वेबिनार है जो कि कमर्शियली काम करने वाले एक क्रिप्टो सोल्यूशन की तरफ से शाम को चार बजे है वो इंग्लिश में होगा आ, जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं वो कन्याकुमारी से है और दूसरा है साढ़े पाँच बजे जो कि मराठी में होगा वो राहुल मराठी जी है वो पूनाबे स्मित्र कंपनी से है तो दो वेबिनार है उसमें से आपको आ, जिसके रिलेटेड ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसमें आप जुड़ सकते हैं किसान ऐप से ही ये दोनों वेबिनार आपके पास है शुक्रिया सभी को इस वेबिनार में जुड़ने के लिए शुक्रिया प्रकाश जी थैंक यू Celebrate this Friendship Day with friendly insects in your farm. Be smart. Choose beneficial insects over harmful insecticides. Attend webinars. Gather knowledge. Beneficial Insects Awareness Meet, 1st August. To join the event, download Kisan app.